वेलकम टू अमिक रिजल्ट का, मेरा नाम है अमृत। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। मेरे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स मिलते रहते दोस्तों, वो भी रोज। इसीलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन के साथ, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो है एक स्किन वाइटनिंग पैक, जो आपके हाथों को, आपके चेहरे को सुंदर बनाए रखने में आपकी मदद करता है, साथ ही साथ रंगत को निखारने का ये काम करता है। ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, 100% इफेक्टिव रेमेडी है, एक ही बार में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए किन इन्ग्रीडियंट्स की हमें ज़रूरत लगेगी। सबसे पहला इन्ग्रीडियंट मैंने यहाँ पे जो लिया है वो है बॉयल्ड राइस। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच पके हुए चावल लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉइल्ड राइस आपको लेना है। यहाँ पे बॉइल्ड राइस क्या करता है दोस्तों, बॉइल्ड राइस जो है आपके रंगत को निखारने का काम करता है, साथ ही आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ब्राइट बनाता है, आपको यंगर लुक देता है। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें मिलाएंगे वो है 2 चम्मच लाल मसूर की दाल। मसूर की दाल आपकी रंगत को निखारती है, साथ ही साथ दाग धब्बों को भी दूर करती है। मसूर की दाल का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी कील मुहासों की परेशानी को भी दूर करती है, साथ ही साथ सन टैन को भी हटाने का काम करती है। मसूर की दाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं कि यह सुंदरता का वरदान है हमारे लिए। मसूर की दाल का यदि हम फेस पैक अपने चेहरे पर लगाते हैं, अपने स्किन पर लगाते हैं, तो उम्र से पहले आपके चेहरे पर झाइयाँ आने नहीं पाती है, और मसूर की दाल हमारी त्वचा को ढीला होने नहीं देता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी इस पैक को अप्लाई कर सकता है। ये पैक जो हम बना रहे हैं वो आपकी बेजान त्वचा में नई जान लेकर के आएगा। अब इसका हमें पेस्ट बनाना है, तो पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुलाब जल। गुलाब जल में स्किन वाइटनिंग गुण होते हैं जो कि हमारे त्वचा में निखार लाने का काम करता है। प्राचीन काल से ही खूबसूरती को बढ़ाने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुलाब जल में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, साथ ही हमारी त्वचा में नमी बनाए रखने में हमारी मदद करता है। बस अब आप इसे ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लीजिए। ये जो पैक हम बना रहे हैं दोस्तों, इस पैक को सभी स्किन टाइप वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फिर आपकी ऑयली स्किन हो, चाहे ड्राई हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैक में कोई डर वाली चीज़ नहीं दोस्तों, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें लिए हैं, आपको बस इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। आप इस पैक को अपने पूरे हाथों पर लगाएं, अपने स्किन पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, आप चाहे तो अपने पूरे बॉडी पर भी इस पैक को लगा सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इस पैक का यदि आप नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको गजब का निखार देखने के लिए मिलेगा। आपकी स्किन टोन आपको 2 से 3 शेड लाइटर नजर आएगी। अच्छे से आप हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए इसे आप अपने फेस पर लगाएं, अपने हाथों पर भी इसी तरीके से लगाएं। हल्के हल्के हाथों से मसाज जरूर करें, और ध्यान रहे कि अपर डायरेक्शन में मसाज करें और सर्कुलर मोशन में मसाज करें। अपने गले की तरफ भी ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, हमारी स्किन का, हमारे चेहरे का और हमारे गले के स्किन टोन का मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। बस इस तरीके से लगा के 2 से 3 मिनट कम से कम आप मालिश ज़रूर करें, और उसके बाद 10 मिनट आप इस पैक को अपने चेहरे पर रहने दें। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। इस पैक से आपकी स्किन की बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रबिंग हो जाती है, और इसे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में हमने इसे बनाया और तुरंत ही इस पैक को हमने बना लिया है। बिल्कुल भी समय नहीं लगा है इस पैक को बनाने के लिए। हल्के हाथों से रगड़ने के बाद 10 मिनट इसे चेहरे पर रखें और फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले। तो ये देखिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। दोस्तों हफ्ते में 2 बार इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ही गजब का निखार आपके चेहरे पर आपको खुद ब खुद महसूस होगा, है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की रेमेडी। आप भी इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें, साथ ही मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। आपको मेरी वीडियो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।